एक गांव में जॉन नाम की औरत अपनी मुर्गियों अपनी भैंस और अपने बेटे के साथ रहा करती थी जॉन का एक ही बेटा था जो गाय भैंस पाल कर अपना गुजारा किया करता था एक दिन मोटू सब्जी खरीदने जाता है वो वहां पर एक बहुत सुंदर लड़की देखता है अरे बाप रे इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी और आज से पहले मैंने इसे इस गांव में नहीं देखा आखिर ये अप्सरा है तो है कौन बस फिर क्या था फिर मोटो उसके ख्यालों में खो जाता है अरे ये क्या ये तो बहुत कम अंडे हैं पता नहीं मुर्गियों को बहुत बुरी आदत हो गई है बाहर जाकर अंडे दे के आ जाती है खाना इन्हें घर में मिलता है और अंडे ये बाहर देने जाती है मोटू आ जाए फिर मैं उसे भेजूंगी कि सारे अंडे चुन के लाए फिर इन्हें बेचना भी है अरे मोटू बेटा तुम आ गए मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी देखो ना हमारी मुर्गियाँ बाहर अंडे देने लगी हैं ऐसा करो बाहर जाकर सारे अंडे चुन के लाओ फिर हमें बेचना भी है इन्हें अरे माँ आपकी मुर्गियाँ भी ना अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ ठीक है बेटा ठीक है और जब तुम वापस आओ ना तो गाय के लिए घास भी लेके आना बेचारी सुबह से भूखी खड़ी है भूख के मारे बिल बिल आ रही है अरे ठीक है माँ चिंता मत करो मैं अंडे भी चुन के लाता हूँ और घास भी काट कर आता हूँ फिर उसके बाद आप मुझे गर्मा गर्म नाश्ता देना पतलू अपने घर जा रही थी वो क्या देखती है कि रास्ते में ढेर सारे अंडे पड़े थे वो एक एक करके सारे अंडे उठा लेती है और ये सब करते हुए उसे मोटू देख लेता है मोटू जानता था कि ये अंडे उसी के हैं लेकिन वो पतलू को देखकर कोई बात नहीं करता और उसे देखकर फिर से ख्यालों की दुनिया में खो जाता है पतलू थे ही इतनी सुंदर अरे ये लड़की कितनी सुंदर है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ मैं आज ही घर जाऊँगा और माँ से बात करूंगा कि हमारे गाँव में एक बहुत सुंदर लड़की आई है मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद वो उसके ख्यालों में खोया हुआ घर आने लगता है अरे बेटा तुम घास तो लाए हो लेकिन अंडे नहीं लाए अंडे कहाँ है अरे माँ इतनी बड़ी बस्ती है हमारे इतना बड़ा गाँव है हमारा किसी ने उठा लिए होंगे अब इन मुर्गियों को बाहर नहीं जाने दूंगी मैं इन्हें घर में ही रखूंगी बाहर अंडे देके के आ जाती हैं फिर नुकसान हो जाता है अच्छा बेटा मुझे याद आया आज शाम को तुम तैयार रहना मैं तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ ये बात सुन कर मोटू का दिल टूट सा जाता है दिन गुजर जाता है शाम हो जाती है और वो लड़की वालों के घर चले जाते हैं मोटू वहाँ जाकर क्या देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सुंदर लड़की पतलू थी और पतलू भी मोटू को देख कर सी जाती है दोनों की माए अपने दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का करती हैं और जल्द ही शादी करने की तारीख रख देती हैं